दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी वैक्सीनेटर और सहायक की भर्ती है उसमें बहुत बड़ी धोखेधड़ी का काम हुआ। 2 रुपए 3 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और सरकार को समझना चाहिए कि किस प्रकार से इतनी महंगाई में जो है 2 रुपए 3 रुपए में ये वैक्सीनेटर लोग और सहायक लोग ये कैसे अपनी फैमिली चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इस पर सरकार को कुछ विचार करना चाहिए और अगर विचार नहीं करती तो हम जितने भी वैक्सीनेटर भाई हैं इस पर हम लोग जरूर धरना प्रदर्शन करेंगे और हम पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द ही जो है ट्वीट के माध्यम से और उनको एक हम खत लिखने वाले हैं इस मामले पर कि इनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए और ना ज़्यादा किया जाए तो इतनी सैलरी जो है इनको मंथली दिया जाए कि जिससे इन लोगों की जो है परिवार के खर्चे चल सकें और इनको जीविका चलाने में जो है मदद मिले। इन लोगों से इतना ज़्यादा भरसक मेहनत लिया जा रहा है उसके बाद में इनको इतना कम जो भी दिया जा रहा है वो तो दिया ही जा रहा है, वो कब आ रहा है इसका भी कोई गारंटी नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भी तो कब आएगा। और उस फीडिंग करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का जो है काम इनसे लिया जाता है। तो सरकार को समझना चाहिए और इनको मंथली जो है मंथली कोई सैलरी फिक्स कर देना चाहिए कि इतने रुपए इनको मिलेगा, काम हो ना हो, वैक्सीन लगे ना हो लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनको जो है सैलरी देना चाहिए ताकि ये लोग जुड़े रहें इससे। और अपना अगर कोई नहीं कारोबार करते हैं यही काम करते हैं तो परमानेंट इसमें जो है टाइम दे सकें और ईमानदारी से अपना काम कर सकें। तो अगर सरकार इस मैटर पे जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं ऊपर अगर कोई अधिकारी इस बात को हमारी सुनता है तो मैं उससे आग्रह करूंगा कि वैक्सीनेटर भाइयों के साथ इतना बड़ा अन्याय ना किया जाए और इस भर्ती को जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से कराया गया है सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको उसका मेहनताना भी उसी हिसाब से दिया जाए। और अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और फिर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये है कि शांतिपूर्वक करेंगे और अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अगर आप जो भी अधिकारी लोग हैं अगर वो नहीं मानते हैं और सैलरी नहीं बढ़ाते तो ये मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना किसी को मैं उकसाने और भड़काने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ मतलब एक चेतावनी जरूर देना चाहता हूँ सरकार को कि इस पर कुछ ना कुछ विचार जरूर करे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा वरना सही भी नहीं होगा ये। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वैक्सीनेटर भाइयों अगर आप भी वैक्सीनेटर हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए एक दूसरे में ताकि सरकार तक ये बात जा सके और इस पर कुछ किया मतलब सरकार करे। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग अंकुर तिवारी के साथ। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।